हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व्ड अबव वन ऑफ इट्स साइड। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है। अच्छा, जबकि इसका पेरीमीटर दिया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसके लेंथ को एक्स ले लेते हैं और इसका ब्रेथ जो है वाई ले लेते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर इसका डायमेंशन ले लिया एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखिए, जब कह रहा है कि इसके एक साइड के, मान लीजिए हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में जब इसको रिवॉल्व करेंगे, ऐसे गोल घुमाएंगे, तो हमें एक बड़ा सा सिलेंडर मिलेगा कुछ इस तरह का। दिखा देता हूँ मैं आपको फिगर में, समझाने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा, है ना जी। कुछ इस तरह का आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा, है ना जी, जब इसके इसके ब्रेथ के रेस्पेक्ट में जब इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वाई वाले के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व करें तो ऐसा कुछ मिलेगा इसको रिवॉल्व करने पे। तो इसी का लार्ज वॉल्यूम हो, इसके लिए हमें डायमेंशन क्या लेना होगा, समझे ना बात को। तो एक काम किया हमने कि यहाँ लेंथ एक्स लिया और ब्रेथ को वाई ले लिया, तो जब ये जो सिलेंडर बनेगा, इसका रेडियस एक्स हो जाएगा और हाइट वाई हो जाएगा। बात को समझ रहे ना। तो यहाँ पे चलिए ले लेते हैं कि लेट एक्स वाई, ये दो चीज है, बी द लेंथ एंड ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है, पेरीमीटर इसका दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी से डिनोट कर देते हैं या फिर ऐसे रहने देते हैं, जो कि दिया कितना 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × x + y = 36 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से देखिए, 2 जाकर डिवाइड करेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से y इक्वल टू में चाहो तो आप 18 माइनस का x लिख सकते हैं। इसका हो सकता है हम लोग आगे यूज करें, इसलिए मैंने ये ले लिया एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द रेक्टेंगल इज बिंग रिवॉल्व्ड About its length, sorry, breadth ना, breadth के ना रेस्पेक्ट में किया है, breadth y and a cylinder be formed. With radius x and height y, then the volume of cylinder से b से denote कर देते हैं, वो हो जाएगा pi x square y, एच की जगह वाई आ जाएगा। चलिए तो बी इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर वाई रहने देते हैं और वाई की जगह पे 18 माइनस का एक्स, कैसे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना जी। चलिए तो यानी पाई एक्स स्क्वायर इंटू में 18 माइनस एक्स, ये वॉल्यूम हो गया। चलिए चाहो तो आप इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से पाई 18 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स क्यूब। चलिए अब इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dv बाई dx क्या आएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है इसे लेने, तो अंदर हो जाएगा 36x माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देयरफोर dv बाई dx इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा पाई 36x माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू में 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करो यहाँ से अंदर से ना, आप एक काम करो अंदर से यहाँ से पाई को उधर लेके चले जाओ, बच जाएगा 36x माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब x को कॉमन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 3x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2l और माइनस का x,
ठीक है ना जी, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स का एक जीरो आएगा, एक 12 आ जाएगा, जो कि जीरो पॉट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ नॉट बी जीरो, कुछ तो कुछ होगा ना जी। अरे 0 सेंटीमीटर तो नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ होगा जब वह सिलेंडर फॉर्म में रहा है उससे तो, या कोई रेक्टेंगल है तो उसका है ना। तो यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगा। अब एक्स पे चेक करना होगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, मैक्सिमम पूछ रहा था ना। चलिए लार्जेस्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपके पास ऊपर जो था डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू आपका कितना था, पाई इंटू में 36x माइनस का 3x स्क्वायर, यही ना था जी। चलिए अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी स्क्वायर भी बाई में डी एक्स स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे माइनस का 6x आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखते हैं डी स्क्वायर भी बाई में डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू में 12 पे क्या हो जाएगा, पाई 36 माइनस का 6 इंटू में 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 72, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 36 पाई आएगा, जो कि 0 से लेस देन है, निगेटिव में आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी लार्जेस्ट व्हेन वन x इक्वल टू 12। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 12x, है ना, x था तो 12 हो जाएगा, और जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ब्रेथ y था ना जी, y जो कि किसके इक्वल है, ऊपर कितना था याद है, 18 माइनस एक्स, तो यानी कि आ जाएगा 18 माइनस का 12, यानी आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और लेंथ है 12 सेंटीमीटर। दोनों हमने यहाँ डायमेंशन यहाँ निकाल दिए, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो